Rengini... Bunun üstünde mi görürsün ahmak? Sultanımızın nabzı yavaş atmaktadır. Elinizi Muazzaz nazirin, assalamu alaikum. Nazirin, is kist ke shuru mein aap dekhenge Wazir-e-Azam Nizamul Mulk intihai ghamzada halat mein Sultan Malik Shah ke seene pe haath rakhe hue unke paas baithe hote hain aur dukh bhare lehje mein kehte hain, tumhari paidaish ka din mujhe abhi bhi kal ki tarah yaad hai. Us din hame tabibon ne khushkhabri di thi ke tum bahut mazboot ho aur bahut taqatwar jambaz banoge. Sultan Alp Arslan apni umar ke 9 saal mein qile ki fatah ke liye gaye the aur aap 18 saal ki umar mein sare jahan ke sultan bane. Taweel waqt guzar gaya aur aapne un hakeemon ki baat sach kar dikhai, har mushkil ka aqalmandi se मुकाबला किया. अब ये जहर आपका क्या बिगाड़ सकता है? चट्टानों की हैबत के सामने गर्द आलूद आंधी की क्या औकात है? आप फिर से उठ खड़े होंगे मलिक शाह और साथ ही साथ पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे. आपका एक बेटा इलाज की तलाश में गया है और दूसरा बेटा दुश्मनों से इंतकाम लेने गया है. उनकी मेहनत आपको ताकत देगी. खबरदार, अपने बेटे संजार से मिले बगैर अपनी जान मत हवाले करना और मुझे भी इतनी भारी अमानतों के बोझ तले तनहा मत छोड़ जाएं. ये कहते साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के आंखों से आंसू बह पड़ते हैं. इसी दौरान एक सिपाही खेमे में दाखिल होता है. सिपाही के अंदर आते ही वज़ीर-ए-आज़म अपने आंसू साफ कर लेते हैं और सिपाही कहता है, शहजादे तबार की कोई खबर नहीं है हाजी. ये सुनकर वज़ीर-ए-आज़म का दुख मजीद गहरा हो जाता है और वो सिपाही को हाथ के इशारे से भेज देते हैं. फिर कहते हैं, शाम होने को है, कहाँ हो तबार? कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? दूसरी जानिब मलिक तबार और तुरना खतून हकीम बारतो के साथ जंगल में मौजूद होते हैं और मलिक तबार हकीम बारतो से पूछता है, क्या आपको यकीन है कि यहाँ से सोयाबीन की फलियाँ मिल जाएंगी? इस पर हकीम बारतो कहते हैं, शहजादे साहब, वो इसी तरह के मकामात पर उगती है, पहले भी यहाँ से हासिल कर चुका हूँ. इसी दौरान हकीम बारतो की नज़र सोयाबीन की फलियों पे पड़ती है तो वो खुश होते हुए कहते हैं, वो रही शहजादे साहब. ये कहते साथ ही हकीम बारतो तुरना खतून के साथ आगे बढ़कर सोयाबीन की फलियाँ जमा करना शुरू कर देते हैं और सोयाबीन की फलियाँ जमा करते हुए मलिक तबार से कहते हैं, यहाँ मिलने वाली सोयाबीन की फलियों को बाकी नबातात से मिलाएंगे, एक मान रीक आदि मकदार में हरगिज कमी पेशी न होने पाए. और अहम तरीन बात यह है कि इसका रंग, इससे पहले कि हकीम बारतो अपनी बात मुकम्मल करते, तेजी से आने वाला एक तीर उनकी मौत का बाइस बन जाता है. यह मंजर देखकर मलिक तबार और तुरना खतून के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो अपनी तलवारें निकालकर वहां पहुंचने वाले बातनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं. तुरना खतून बहादुरी से लड़ते हुए बहुत से बातनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देती है, जबकि सुल्तान मलिक शाह के इंतकाम में लड़ने वाले सलजोकी सिपाही भी बातनियों के लिए मौत का पैगाम बन जाते हैं और उनकी क्यादत करने वाला मलिक तबार भी अपने सामने आने वाले बातनी सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट डालता है. बातनी सिपाहियों के खात्मे के बाद वो सब भागते हुए हकीम बारतो के पास आते हैं और तुरना खतून तड़पते हुए कहती है, तबीब बारतो को मार डाला शहजादे, अब तरियाक कैसे बनाएंगे? ये सुनकर मलिक तबार कहता है, और कोई रास्ता नहीं बचा तुरना खतून, तबीबों के साथ मिलकर तरियाक आप बनाएंगी. कुल्हाड़ी सर पर गिरने के लिए हवा में मुअल्लक हो चुकी है. हकीम बारतो वैसे भी सब कुछ बता चुके हैं, आज शाम तक हमें तरियाक तैयार करना होगा, अपनी महारत दिखाने का दिन आज ही का दिन है. यह सुनकर तुरना खतून हैरान और परेशान होते हुए कहती है, फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, चाहे जो भी हो हम सुल्तान के लिए तरियाक तैयार करेंगे. उधर अमीर ताजुल मुल्क अपने सिपाहियों के साथ करतीबी के इलाके में पहुंच जाता है. अमीर ताजुल मुल्क को देखकर वहां छुपे हुए सलजोकी सिपाहियों का कमांडर कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कहते सादिक कमांडर झाड़ियों से निकलकर ताजुल मुल्क के सामने आ जाता है. उसे देखकर ताजुल मुल्क कहता है, मैं तुम लोगों की ही तलाश में था, तुम लोगों ने गलत जगह मुतय्यन की है, अपने सिपाहियों को लो और जहां मैं कहूं वहां मोर्चा बनाओ. इस पर कमांडर कहता है, ये कैसे हो सकता है अमीर हजरत, हमें कहा गया है कि जंगजू यहां से गुजरेंगे. तो ताजुल मुल्क कहता है, मुझ तक आने वाली खबर बिल्कुल बरअक्स है, तुम्हें जो कहा है वो करो. जवाबन कमांडर कहता है, संजार का कहना है कि जो भी हो अपनी जगह नहीं छोड़नी. यह सुनकर ताजुल मुल्क घोड़े से कूद जाता है और कमांडर के पास आकर गुस्से से कहता है, संजार कौन होता है? क्या उसकी बात मेरे अहकामात से ज्यादा अहम है अहमक? ये कहते साथ ही ताजुल मुल्क कमांडर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और बुलंद आवाज से कहता है, फौरन अपने सिपाही जमा करो वरना गर्दन काट डालूंगा, यहाँ तीन या पाँच अशखास काफी है. ये सुनकर कमांडर इशारा करता है तो तमाम सलजोकी सिपाही झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और ताजुल मुल्क के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट आ जाती है. दूसरी जानिब संजार भी अपने साथियों के साथ एक जगह गात लगाई खड़ा होता है. इसी दौरान ताजुल मुल्क सलजोकी सिपाहियों के साथ उसके सामने से गुजरता है. उन्हें देखकर संजार कहता है, ताजुल मुल्क गात में बैठने वाले सिपाहियों को कहां ले जा रहा है, इन्हें फौरन रोकना होगा. इसके साथ ही संजार के साथी और संजार तेजी से आगे बढ़ते हैं. इधर ताजुल मुल्क के छोड़े हुए चंद सलजोकी सिपाही गात में बैठे होते हैं.
जबकि सब्बा और मरकोस स्लीपी स्पाइयों के साथ उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। इसी दौरान मरकोस इशारा करता है तो एक स्लीपी स्पाई दूर से ही खंजर मारकर एक सेल्जुकी स्पाई को मौत के घाट उतार देता है। इसके साथ ही स्लीपी स्पाई जाड़ियों से निकलकर सेल्जुकी स्पाइयों पर टूट पड़ते हैं। सेल्जुकी स्पाई मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करते हैं मगर तादाद में कम होने की वजह से वो बहुत जल्द मारे जाते हैं। सेल्जुकी स्पाइयों के खात्मे के बाद सब्बा भी जाड़ियों से बाहर आ जाता है और मरकोस कहता है अब मखजन की जानिब सफर जारी रख सकते हैं। ये सुनकर जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा एक सेल्जुकी स्पाई अपनी आंखें खोल लेता है और सब्बा कहता है आप लोग मखजन के बाहर इंतजार करेंगे, अंदर सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। तो मरकोस कहता है अगर तुम अंदर जाकर बाहर ना आए तो। ये कहते साथ ही मरकोस अपनी तलवार निकाल लेता है और पीछे से सब्बा पर हमला करने की कोशिश करने वाले सेल्जुकी स्पाई को मौत के घाट उतार देता है। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब ताजिल मुल्क सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहा होता है। इसी दौरान संजार उसका रास्ता रोक लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है अमीर ताजिल मुल्क तुम क्या करते फिर रहे हो। इस पर ताजुल मुल्क कहता है पहले इजाजत लो, स्पाई का रतिबी के करीब घात लगाएंगे, मैं अमीर हूँ क्या तुम्हें वजाहत पेश करूंगा। तो संजार गुस्से से कहता है हाँ बिल्कुल करोगे, इन सिपाहियों को मैंने मुतय्यन किया है। यह सुनकर ताजुल मुल्क घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है अपने हाथ में रहो कबायली, महल में खबर पहुंची है कि जंगजू तुम्हारी मुतय्यन करदा जगह से बिल्कुल मुख्तलिफ मुकाम से गुजरेंगे, इस वजह से मैं सिपाहियों को लेकर जा रहा हूँ। जवाबन संजार कहता है अपने सिपाही लेकर जाते मेरे सिपाही क्यों लेकर जा रहे हो। तो ताजुल मुल्क दांत पीसते हुए कहता है तुम्हारी गलती ठीक कर रहा हूँ और सिपाहियों की सरबराही मुझ जैसे अमीर पर जचती है तुम पर नहीं, वहाँ वैसे भी मैं चंद सिपाही छोड़ आया हूँ। इस पर संजार कहता है क्या यही है तुम्हारी अस्करी महारत। इसी दौरान एक सेल्जुकी स्पाई जख्मी हालत में लड़खड़ाता हुआ वहाँ आता है। सेल्जुकी स्पाई को देखकर संजार के साथी उसे थाम लेते हैं और संजार उसके पास जाकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तो स्पाई कहता है स्लीपी जंगजुओं ने हमला किया था, सबको तलवारों के घाट उतार दिया। यह सुनकर संजार शदीद गुस्से में अमीर ताजुल मुल्क को गिरबान से दबोच लेता है और कहता है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मेरे मंसूबे पर चलते रहते तो हम उन्हें रोक चुके होते, तुम्हारी वजह से हमारे सिपाही शहीद हुए और वो लोग मखजन तक पहुंच गए। ये कहकर संजार ताजुल मुल्क को पीछे धकेल देता है और कहता है फौरन हमले के मुकाम पर पहुंचना होगा। ये कहते साथ ही संजार अपने साथियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। नाजरीन इसके बाद अब देखेंगे सब्बा लड़खड़ाते हुए मखजन में दाखिल हो जाता है और कुछ देर चलने के बाद एक दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो जाता है, फिर वहाँ मौजूद एक दीवार को एक जानिब खींचता है तो पूरी की पूरी दीवार आगे से हट जाती है और सब्बा उसके पीछे रखा संदूक निकाल लेता है। संदूक का जायजा लेने के बाद सब्बा कहता है सेल्जुकों की बर्बादी मेरे हाथ में है। इसके साथ ही सब्बा संदूक लेकर मखजन के बाहर मरकोस के पास जाता है और संदूक जमीन पर रखते हुए कहता है ये वो मालूमात है जो सेल्जुक सल्तनत को मुनहदिम कर देंगी। ये सुनकर मरकोस बहुत खुश होता है और संदूक का जायजा लेने के बाद कहता है हम अच्छी तरह कामयाब हो गए सैयदुना, चाहे कुछ भी हो जाए अब सेल्जुक नहीं बच सकेंगे। तो सब्बा हंसते हुए कहता है तुम ये कुस्तुनतुनिया ले जाओ। तो मरकोस कहता है मैं नहीं जाऊंगा बल्कि वो आएंगे, हमारा आदमी मिथियास मसीही कमांडर अल्बर्ट व दिगर को खबर भेजेगा, वो लोग अपने सिपाहियों के साथ आएंगे और इन मालूमात की बिना पर हम फौरन हमले की शुरुआत करेंगे। ये सुनकर सब्बा कहता है जबरदस्त बहुत आला, हमले के इख्तिताम पर मैं शर्मसार ले लूंगा, हमारा मकसद वहीं से परवान चढ़ेगा, जब संजार को हमले का पता चलेगा तो वो हमारे निशानात से हमारा ताकुब करेगा, इसलिए हम दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। इस पर मरकोस कहता है मैं और मेरे कुछ आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे और बाकी दूसरे रास्ते से जाएंगे। ये सुनकर सब्बा संदूक उठा लेता है और मरकोस के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर संजार अपने साथियों सेल्जुकी सिपाहियों और ताजुल मुल्क के साथ उस मुकाम पर पहुँचता है जहाँ सब्बा ने स्लीपी सिपाहियों के साथ हमला करके सेल्जुकी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। सेल्जुकी सिपाहियों की लाशें देखकर संजार ताजुल मुल्क से कहता है किसी दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। इस पर एक सेल्जुकी सिपाही आगे बढ़ते हुए कहता है अमीर हजरत को मत छूना। यह सुनकर संजार एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके उस सेल्जुकी सिपाही को जमीन पर पटक देता है और ताजुल मुल्क एकदम से अपनी तलवार संजार के गले पर रख लेता है, फिर कहता है अपने हाथ पार मत करो कबायली लड़के। इस पर संजार कहता है तुम क्या कर लोगे, क्या मुझे कत्ल करोगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो काटो मेरी गर्दन, तुम्हारी वजह से सिपाही शहीद होगे और वो मकसद से सल्तनत की मालूमात ले गए हैं। जवाबन ताजुल मुल्क कहता है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और इनका काम दुश्मनों से लड़ना था, ये दुश्मन को कत्ल नहीं कर सके इसलिए शहीद कर दिए गए, यही जंग का दस्तूर है। ये सुनकर संजार गुस्से से कहता है तुम कैसे बेजमीर आदमी हो, तुमने इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया और ये साफ साफ गद्दारी है, मैं तुम्हारी गद्दारी की कीमत वसूल करूंगा ताजुल मुल्क। ये कहते साथ ही संजार ताजुल मुल्क की तलवार खींचकर उसी के गले पर रख लेता है जबकि संजार के साथी और सेल्जुकी स्पाई भी आमने सामने आ जाते हैं। इसी दौरान निशानात का जायजा लेने के बाद बसकोश वहां आता है और कहता है
संजार कुछ आसार मिले हैं। ये सुनकर संजार ताजुल मुल्क से कहता है, शुक्र करो कि मैं उनका पीछा करने पर मजबूर हूँ, मगर सुल्तान का इंतकाम लेने के बाद तुम्हारा भी हिसाब करूँगा। ये कहकर संजार ताजुल मुल्क की तलवार जमीन में गाड़ देता है और अपने साथियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर कनक कबीले में वज़ीर आज़म इंतहाई बेचैनी के हालत में खेमे के सामने टहल रहे होते हैं। इसी दौरान मलिक तबार और तुरना खातून सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और उनके करीब आते ही वज़ीर आज़म पूछते हैं, तुम लोग कहाँ रह गए थे, तबीब बारतो कहाँ है? तो मलिक तबार कहता है, हम तबीब तक पहुंच गए थे मगर बातनी गात लगाए बैठे थे, हम उनसे महरूम हो गए हाजी। ये सुनकर वज़ीर आज़म गुस्से से कहते हैं, सब्बा, हर शय का सबब वही है, जब तक वो जिंदा है हमें कोई सुकून नहीं मिलेगा, वो हम पे नजर रखेगा और पे दर पे हमले करता रहेगा, अब क्या होगा, हम तरियाक कहाँ से लाएंगे? इस पर तुरना खतून कहती है, तबीब बारतो ने मुझे तरियाक के मुतल्लिक कुछ वजाहत की थी, हम खुद उसे तैयार करने पर मजबूर हैं जनाब हाजी, और कोई चारा नहीं है। ये सुनकर वज़ीर आज़म कहते हैं, ठीक है, फौरन तैयारी शुरू करो बेटी, शाम होने से पहले सुल्तान को बचाने के लिए तरियाक का बन जाना जरूरी है। इसके साथ ही वो सब लोग खेमे की जानिब बढ़ते हैं और तुरना खतून इफरोज की जानिब देखकर कहती है, इफरोज हकीम, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तो इफरोज कहता है, तुरना खतून, अगर मैं रुक जाऊँ तो बेहतर रहेगा। जवाबन तुरना खतून कहती है, दारू शिफा में मरीज इलाज के इंतजार में है, रात होने से पहले चले जाना। ये कहते साथ ही तुरना खतून खेमे के अंदर चली जाती है। दूसरी जानिब सब्बा संदूक उठाए हुए मरकोज और उसके सिपाहियों के साथ जंगल में रवान दमा होता है, जबकि मरकोज का भेजा गया एक दस्ता दूसरी जानिब से जंगल में सफर कर रहा होता है। इसी दौरान तेजी से आने वाला एक तीर स्लीपी सिपाही को जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है और संजार उनके करीब आकर अपने सिपाहियों से कहता है, इन स्लीपी कुत्तों को पकड़ लो। संजार का हुक्म मिलते ही उसके सिपाही स्लीपी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और कुछ सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद बाकी को पकड़ लेते हैं। फिर संजार एक स्लीपी सिपाही की गर्दन पे खंजर रखते हुए पूछता है, मखजन से सल्तनत की मालूमात को वो लोग कहाँ ले गए हैं? इस पर स्लीपी सिपाही कहता है, हमें मालूमात वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, ना हमने सुना ना हमने देखा। ये सुनकर संजार उसका कान काट डालता है और उसकी चीखों पुकार से पूरा जंगल गूंज उठता है। फिर संजार दूसरे स्लीपी सिपाही को उसके साथी का कान दिखाते हुए कहता है, अगर तुमने भी देखा सुना नहीं है तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, और अगर तुम्हें मालूम हुआ और ना बताया तो मैं तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। अपनी गर्दन में संजार का खंजर देकर स्लीपी सिपाही बोल पड़ता है और कहता है, जो उनके पास है वो कल आगे देंगे, मैं सिर्फ एक ही शख्स को जानता हूँ, उसके जरिए वो लोग मनसूबा बंदी करते हैं। ये सुनकर संजार पूछता है, कौन है वो? तो स्लीपी सिपाही कहता है, मिथियास, बस मैं यही नाम जानता हूँ। इस पर संजार पूछता है, वो मुझे कहाँ मिलेगा? तो स्लीपी सिपाही कहता है, मुझे उसका ठिकाना नहीं मालूम। ये सुनकर संजार कहता है, मगर मुझे मालूम है कि किसे पता चलेगा, हम ताजिर मिथियास और उसके बंदू को खत्म करेंगे, मालूमात पहुँचाने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। फिर असलान ताश पूछता है, हम इनके साथ क्या करेंगे? तो संजार कहता है, वही जो इन्होंने हमारे शोधा के साथ किया था। ये कहते साथ ही संजार अपने पास मौजूद स्लीपी सिपाही का गला काट डालता है और संजार के साथ ही बाकी स्लीपी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करके उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे शलमजार में ताजिर मिथियास ने निकोलास के घर में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ लिविया आती है और खुश होते हुए कहती है, खुशखबरी है निकोलास, मरकोस ने सलजोकी मालूमात ले ली है। ये सुनकर निकोलास और मिथियास बहुत खुश होते हैं और निकोलास कहता है, आखिरकार सलजोको की किस्मत हमारे हाथ में आ गई। फिर लिविया मिथियास से कहती है, कमांडर अल्बर्ट और बाकी कमांडरों के पास खबर भेज दो मिथियास, ताकि वो अपने सिपाहियों के साथ मुकर्रा जगह आ जाए, जब कायद अल्बर्ट वो मालूमात हासिल करेगा तो वो इस सल्तनत को जहन्नुम में बदल देगा, हम इन मालूमात का इस्तेमाल करेंगे और वक्त जाया किए बगैर हमले की तरफ बढ़ेंगे। ये सुनकर मिथियास खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और निकोलास कहता है, मलिक शाह की हालत ने तमाम सलजोकों को परेशानी में डाल दिया है। इस पर लिविया कहती है, आप उसे मरते हुए भी देखेंगे, सलजोक सल्तनत फना हो जाएगी, इस दुनिया से मलिक शाह का नाम और निशान भी मिट जाएगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह नगेबान।